हे दोस्तों, तो कैसे हो सब। बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल अमित यूट्यूब चैनल पर और आज की रैंडम टॉक के फ्रेश एपिसोड में। इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ें, यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपका भाई जब भी कोई वीडियो डाले आपको प्यार से नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे कोई भी बात करें, आप लोगों से मेरी तरफ से एक छोटा सा फनी क्वेश्चन है कि अगर जियो ना होती तो क्या होता। प्लीज आप अपने ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं एक न्यूज को लेके। तो न्यूज जो है वो बहुत ही खतरनाक है एयरटेल को लेके भाई, न्यूज है और आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। बात कुछ ऐसी है कि दोस्तों एयरटेल की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो निकल के बाहर आया है कि एयरटेल ने यहाँ पे अपने लैक्स ऑफ कस्टमर के साथ धोखा किया है, उनका डाटा लीक किया है और यहाँ पे उन्होंने उनके आधार कार्ड जो जितना भी उनके पास डाटा गया था सिम वेरिफिकेशन को लेके। आपने देखा होगा कि थोड़ा ही टाइम हुआ है ये जो सिम वेरिफिकेशन हुआ था, यहाँ पे थाउजेंड ऑफ कस्टमर से अपना आधार कार्ड जो है वो लिंक किया था अपने सिम के साथ, तो उन्होंने उनका इस डाटा का यूज़ करके फेक पेमेंट बैंक जो है वो बनाए हैं। और फेक पेमेंट बैंक इसलिए बनाए, आपको पता होगा दोस्तों कि जो भी एलपीजी सब्सिडी होती है वो जो हमें सरकार वो हमारे बैंक अकाउंट में देते हैं। अब एयरटेल पेमेंट बैंक भी एक वर्चुअल बैंक है जहाँ पे दोस्तों ऐसा क्या है कि अगर आप कोई लेटेस्ट बैंक मतलब खुलवाते हो और आधार कार्ड से उसको लिंक करते हो तो आपकी जो सब्सिडी जाएगी, आपका जो आधार कार्ड लगेगा वो आपके उसी बैंक में जाएगी। तो इसका दोस्तों गलत इस्तेमाल करके हमें बिना बताए एयरटेल ने ये जो है वो अपना पेमेंट बैंक अकाउंट बना लिए और जितनी भी हमारी पेमेंट, जितनी भी हमारी सब्सिडी आ रही थी वो उसमें डलवा ली। और बताया जा रहा है तकरीबन 40 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो उन्होंने यहाँ पे कमा लिया है, 40 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने जो है वो स्कैम किया है अपने कस्टमर के साथ। आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, एक छोटी सी टिप है बिटकॉइन को लेके। एज यू नो दोस्तों इसकी क्या हाइप बनी है, इसकी क्या वैल्यू है, तो इस वैल्यू के चलते हुए दोस्तों कई सारे हैकर डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक कर रहे हैं कि वो कैसे ना कैसे आपके उस बिटकॉइन को चुरा लें। बट मेरी यहाँ पे एक सिक्योरिटी टिप आप समझ लो कि कभी भी आप अपना जो पासवर्ड है वो ना ही तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल क्रोम में सेव करो, ना ही आप किसी भी अन्य ब्राउजर, ना ही आप विंडोज मैक जो भी है उनमें सेव करो। क्योंकि दोस्तों ये माना जा रहा है कि कुछ इस तरह का मालवेयर निकल के आया है जो कि दोस्तों सीधे ही अटैक करता है आपकी सभी कुकीज़, आपकी सभी सेव्ड पासवर्ड के ऊपर, जिसमें दोस्तों वो सारी की सारी हैकर जो है इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, आपका ब्लॉकचेन का एड्रेस, आपके ब्लॉकचेन का आईडी, पासवर्ड जो कि उनके पास चला जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में ये बात इतने बता रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन हुए मेरे दोस्त के ब्लॉकचेन अकाउंट के ऊपर अटैक हुआ कुछ ऐसा ही, बट वो बच गया टू स्टेप वेरिफिकेशन के साथ। अगर दोस्तों उसने टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगवाई होती तो फिर उसका जो ब्लॉकचेन था वो तो गया और उसमें तकरीबन कम से कम बताया जा रहा है कि 60 से 70 हज़ार रुपये उसके पड़े हुए थे। आगे दोस्तों आप में से कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि अमित भाई आप कैमरा माइक ये सब कौन यूज़ करते हो, हालांकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ बट फिर भी आप लोगों के काफ़ी लेटेस्ट कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मैं कैनन 700D यूज़ करता हूँ, उसी से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोया का BY-M1 यूज़ करता हूँ जिससे मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज वेल एज मैं यहाँ पे सिम्पेक्स का 691 यूज़ करता हूँ और ये मेरी नेचुरल बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैं कोई तरह का कोई बैकड्रॉप या ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं करता हूँ। एक और क्वेश्चन दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों का मुझे मिला है कि आप वीडियो एडिटर कौन सा यूज़ करते हो, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बेसिक वंडर शेयर फिल्मोरा जो है वो यूज़ करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वंडर शेयर फिल्मोरा एडिटर जो है मैं यूज़ करता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। अगली दोस्तों मेरी टिप है उन भाइयों को जो कि दोस्तों व्लॉगिंग इंडस्ट्री को फुल टाइम लेके चलना चाहते हैं, फुल टाइम व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ टारगेट करना US कनाडा के लोगों को। अगर आप यहाँ पे टारगेट करने की सोच रहे हो इंडिया में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे भाइयों, पैसा तो मतलब दूर दूर की बात है, व्यूज़ भी बहुत कम आएंगे। बट अगर आप टारगेट कर रहे हो, अगर आप ब्लॉग बना रहे हो US अमेरिका कनाडा के लोगों को, कनाडा के लोगों के लिए, बट वहाँ पे क्या होगा अगर आपको व्यूज़ भी कम आते हैं, दिन में अगर आपको 10 क्लिक्स भी आ गए तो भाई माला माल हो जाओगे। तो कोशिश करो भाइयों जो भी ब्लॉग बनाते हो उसमें आप US अमेरिका कनाडा को जो है वो टारगेट करो। अच्छा दोस्तों यहाँ पे टिप है मेरे उन यूट्यूबर भाइयों को जो कि मैं हमेशा की तरह देता हूँ कि आप जब भी अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाते हो उसका जो ड्यूरेशन है मतलब उसकी जो टाइमिंग है वो कम कर दें। मीन्स आप कोशिश करें 4 से 5 या 5.5 से 6 मिनट तक की वीडियो बनाए, उससे बड़ी मत बनाए, क्योंकि इसमें दोस्तों आपके वॉच टाइम पर इफेक्ट होता है, कोई भी पब्लिक आपकी पूरी वीडियो नहीं देखती है।
अगर आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और वीडियो छोटी होगी आपको अच्छा वॉच टाइम मिलेगा, वीडियो वायरल जाने की यहाँ पे आशंका रहती है। सो दोस्तों यही था आज की इस रैंडम टॉक्स पे, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ से मुझे वो आंसर्स मिलेंगे। एज वेल एज मैं बता दूं चैनल पे बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, बहुत सी अनबॉक्सिंग, बहुत सा कुछ नया आने वाला है, तो इंतजार रखो, स्टे ट्यून्ड और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहें, सलामत रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।